हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल यथार्थ फिजियो में। दोस्तों, आज हम देखेंगे नी पेन के बारे में कि घुटने में दर्द क्यों होता है। दोस्तों, अगर आपको भी रहता है घुटने में दर्द और आप जानना चाहते हैं किस कारण की वजह से, किस रीजन की वजह से ये घुटने में दर्द होता है, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। पूरी वीडियो देखें बिना स्किप किए हुए। इसमें हम बताएंगे कि किस रीजन की वजह से, किस कारण की वजह से घुटने में दर्द होता है। तो चलिए देखते हैं कॉजेज ऑफ नी पेन। तो इसमें पहला कारण आता है ACL इंजरी। ACL मतलब एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। जो दोस्तों ये है हमारा नी जॉइंट, इसमें जो एंटीरियर मतलब आगे की साइड एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है जो कि फीमर और टीबिया को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, उनको जोड़े रखता है। अगर दोस्तों इस लिगामेंट में किसी इंजरी की वजह से या किसी एक्सीडेंट गिरने करने से ये लिगामेंट टूट जाता है या फिर कट जाता है या फिर इसमें किसी प्रकार डिफॉर्मिटी आ जाती है, तो हमें नी जॉइंट में मतलब घुटने में दर्द होता है। दोस्तों, अब आते हैं हम नी पेन के दूसरे रीजन पर, मेनिस्कस टियर। मेनिस्कस क्या होता है? मेनिस्कस एक प्रकार का फाइब्रो कार्टिलेज स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक गद्दीनुमा संरचना होती है जो कि नी जॉइंट में प्रेजेंट होती है। इसमें जो ये फीमर है और ये टीबिया है, इनके बीच में एक गद्दी टाइप की संरचना पाई जाती है, स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे हम मेनिस्कस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो दोस्तों ये फीमर है जो इसका एंड पार्ट है, इस पर एक प्रकार का कार्टिलेज लेयर पाई जाती है। ऐसे ही इस टीबिया बोन के हेड पर एक कार्टिलेज लेयर पाई जाती है। जो दोनों कार्टिलेज लेयर है आपस में लुब्रिकेंट मतलब चिकनाई का काम करती है और इन दोनों के बीच में ये मेनिस्कस की जो गद्दी है वो प्रेजेंट होती है। ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड प्रेजेंट होती है। दोस्तों, आप देख सकते हो ये लेफ्ट ये राइट दोनों साइड में ये प्रेजेंट है, जो कि हमारा मूवमेंट कराने में बहुत मदद करती है, हेल्पफुल है, मतलब वहाँ पर एक तरह की चिकनाई बनाने का ये वर्क करती है। दोस्तों, अब आते हैं नी पेन के तीसरे रीजन, पटेलर टेंडिनाइटिस। ये क्या होता है? दोस्तों, जो हमारी ये नी जॉइंट है, इसमें एक पटेला जिसे हम बोलते हैं एक कटोरी नुमा संरचना, ये जॉइंट के थोड़ा बाहर की साइड प्रेजेंट होती है। इसमें सुपीरियर इन्फीरियर ये जो टेंडन है ये इसे अटैच करके रखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, ये है हमारी पटेला जिसे ये टेंडन है ये इसे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, इसे स्टेबलाइज करते हैं। दोस्तों, अगर किसी इंजरी की वजह से या फिर गिरने से अगर ये जो टेंडन है ये टूट जाता है, कट जाता है, फट जाता है, तो यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाती है और इस जॉइंट पर पेन फील होता है। अब आते हैं हम हिप पेन के चौथे रीजन पर, नी बर्साइटिस। बर्साइटिस मतलब ये बर्सा प्लस आइटिस। बर्सा मतलब एक बर्सा क्या होता है? बर्सा एक प्रकार का फ्लूड सैक होता है। दोस्तों, जैसे कि ये हमारी मसल है जो कि एक पॉइंट पर आके मिलती है, और जब ये एक पॉइंट पे ऐसे आके मिलती है तो यहाँ पर हम कोई मूवमेंट करते हैं, ये मूवमेंट हो रहा है तो वो आपस में मतलब रगड़न करती है, आपस में भिड़ती है, उनके बीच चिकनाई बनाने का काम ये बर्सा करता है। ये बर्सा प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो मूवमेंट करने में आसानी रहती है, वहाँ चिकनाई की तरह कि ये बर्सा वर्क करता है। अगर किसी इंजरी की वजह से या फिर गिरने से या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से ये बर्सा में इन्फ्लामेशन मतलब सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से हमें नी में जॉइंट में वहाँ पर पेन फील होता है। अब आते हैं हम नी पेन के पांचवें रीजन पर, डिसलोकेशन ऑफ नी, मतलब नी का डिसलोकेशन हो जाना। दोस्तों, ये हमारी फीमर है, ये हमारी टीबिया है और ये हमारी फिबुला है। ये तीन बोन्स मिलकर ये नी का जॉइंट बनता है। अगर किसी दुर्घटनावश हम अगर गिर जाते हैं या फिर कोई इंजरी हो जाती है तो ये जो जॉइंट होता है ये एक प्रकार से डिसलोकेट हो जाता है। ये बोन आपस में हट जाती है, अलग अलग हो जाती है, जिसकी वजह से भी हमें घुटने में दर्द की समस्याएं रहती हैं। अब आते हैं हम नी पेन के छठवां रीजन, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर मतलब टूटना। दोस्तों, जो नी जॉइंट है ये तीन बोन से मिलकर बना होता है, फीमर, टीबिया, फिबुला। अगर किसी एक्सीडेंट या दुर्घटना या फिर इंजरी के कारण ये जो बोन होती है तीनों अगर टूट जाती है, इनमें कोई फ्रैक्चर आ जाता है, उसकी वजह से भी हमें नी में पेन फील होता है। अब आते हैं हम नी पेन के सातवें रीजन, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियो मतलब बोन, आर्थराइटिस मतलब सीवियर इन्फ्लामेशन या स्टिफनेस। इसमें क्या होता है, जो
ये नी जॉइंट है, इसमें फीमर का एंड और टीबिया का जो हेड होता है, इसमें एक कार्टिलेज की लेयर पड़ जाती है जिसे हम कैप्सूल बोलते हैं। ये ज़्यादा मूवमेंट करने से या फिर एक्सेसिव मूवमेंट करने से या फिर ज़्यादा वजन उठाने से, भारी वजन उठाने से ये धीरे धीरे ये कैप्सूल घिसने लग जाता है और आपस में जब चलते हैं तो ये टकराते हैं। टकराने की वजह से हमें कट कट की आवाज़ भी सुनाई देती है और हमें यहाँ पर पेन फील होता है। ये 4 स्टेज होती है, स्टेज बाई स्टेज ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है। वो जो कैप्सूल की लेयर होती है वो धीरे धीरे पूर्णतः डैमेज होने लग जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है और हमें पेन की समस्याएँ वहाँ पर रहती है, हमें दर्द होता है। अब आते हैं हम नी पेन के 8वें रीजन, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये एक प्रकार का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। ये तब होता है जब अपनी ही इम्यूनिटी किसी कारणवश बॉडी टिश्यू पर अटैक करने लग जाती है और उसे डैमेज करने लग जाती है। यह जन्मजात हो सकता है या फिर ज़्यादा खाने पीने की वजह से या फिर अल्कोहल का सेवन करने से या फिर किसी हार्मोन की कोई डिसफंक्शन की वजह से ये बीमारी होती है, जिसकी वजह से भी नी में पेन की समस्याएँ रहती है और हमें जॉइंट में स्टिफनेस देखने को मिलती है। अब आते हैं हम नी पेन के 9वें रीजन, गाउट। इसमें क्या होता है, जो यूरिक एसिड होता है, जो बॉडी के अंदर यूरिक एसिड पाया जाता है, उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, जिसके कारण जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल होते हैं वो जॉइंट में जमा होने लग जाते हैं और वहाँ पर स्टिफनेस होने लग जाती है, जॉइंट में मूवमेंट में कमी आने लग जाती है, जिसकी वजह से हमें वहाँ पर पेन फील होता है। अब आते हैं हम नी पेन के 10वें रीजन, सेप्टिक अर्थराइटिस। सेप्टिक मतलब सीवियर इन्फेक्शन, अर्थराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जो जॉइंट होता है, जॉइंट के बीच में जो फ्लूड होता है, जैसे दोस्तों ये जॉइंट है, इन दोनों जॉइंटों के बीच में जो साइनोवियल फ्लूड प्रेजेंट होता है जो कि चिकनाई का काम करता है, इसमें किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाना या फिर किसी प्रकार की कोई बैक्टीरिया वायरस के कारण इन्फेक्शन होना, जिसकी वजह से जॉइंट में स्टिफनेस होती है और जॉइंट प्रॉपरली मूवमेंट नहीं कर पाता है, वर्क नहीं कर पाता है और हमें घुटने में दर्द की समस्याएँ रहती है। तो दोस्तों ये थे कुछ रीजंस जिनकी वजह से हमें घुटने में दर्द होते हैं। अगर आपको इनमें से किसी प्रकार की कंडीशन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि हम उस पर फुल डिटेल में वीडियो बना सकें। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू गाइज़।